देखिए प्रश्न नंबर 8 में है, लिखा है इसमें एक एफ बराबर एक एक दो तीन शून्य माइनस एक माइनस तीन, जेड से जेड में है ना, जेड से जेड में है, पूर्णांक से पूर्णांक में। ये लिखा है एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी द्वारा परिभाषित एक फलन है जहां ए और बी कोई पूर्णांक है, ए बी को निर्धारित कीजिए, है ना, मतलब ए और बी का मान ज्ञात करना है हमको। तो देखिए इसमें है, देखिए कुछ क्रमित युग्म में दे रखे हैं यहाँ पर, ये वाला पहला इस क्रमित युग्म का पहला घटक इसमें x का मान रख, मतलब ये x मतलब समुच a का पहला घटक है ना, समुच a का घटक समुच a के अवयव है ये, ठीक ना। इसमें से देखिए ये है इसका प्रतिबिंब है, मतलब ये अगर x है, ये x है तो ये fx आया होगा, इसी प्रकार अगर ये x है, x का मान रखा है तो ये fx का मान आया होगा, ठीक ना। इसी प्रकार देखिए अगर हम इसमें देखिए एफ एक्स में अगर यहाँ पर हम एक्स का मान देखिए यहाँ ये एक है, अगर हम यहाँ एक मान रख दें तो एफ एक्स का मान हमको यहाँ एक प्राप्त होगा, ठीक ना। तो देखिए एक्स बराबर एक रखने पर, एक रखने पर तो देखिए रखेंगे तो यहाँ पर एफ वन बराबर एक गुणे एक, ए गुणे एक प्लस बी, और जब आपने x बराबर एक रखा तो एफ एक्स का मान एक ही आया है, तो यहाँ एक बराबर ए प्लस बी, ठीक ना। तो हमको ये पहला संबंध प्राप्त हुआ, पहला समीकरण हुआ। इसी प्रकार हम यहाँ पर x बराबर दो रख लेते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होगा, एफ टू बराबर यहाँ पर रख लेते हैं ए गुणे दो प्लस बी, तो एफ टू कितना है देखिए, एफ आना कितना चाहिए, थ्री आना चाहिए हमको, तो 3 बराबर 2 ए प्लस बी, तो ये हो गया हमको दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। अब देखिए इससे हमको और भी समीकरण इससे और इससे भी प्राप्त हो जाएंगे, मगर हमको दो चरों का मान ज्ञात करना है तो इसके लिए हमको दो समीकरण प्राप्त हो तो हमको मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इससे एक बी ए का मान निकाल के इसमें हम रख देते हैं, तो देखिए ए बराबर 1 माइनस बी, ठीक ना, प्रतिस्थापन या विलोपन कोई भी विधि लगा सकते हैं। तो अब लिखते हैं ए का मान समीकरण एक से समीकरण दो में रखने पर, दो में रख देंगे तो यहां पर देखिए दो ए का मान कितना है, वन माइनस बी, वन माइनस बी प्लस बी बराबर थ्री, तो जगह दो एक कम दो माइनस दो बी प्लस बी बराबर तीन, तो ये हो जाएगा माइनस बी, दो उधर पक्षांतर कर देंगे तो जाएगा तीन माइनस दो, तो ये हो गया एक, मतलब बी का मान माइनस एक आ गया। इसी प्रकार बी का मान रख देंगे एक में, तो लिखेंगे बी का मान समीकरण एक में रखने पर, तो जाएगा ए वन माइनस बी का मान कितना है माइनस वन, वन ये प्लस वन हो गया तो ये टू, तो ए का मान दो आ गया। इस प्रकार ए बराबर दो और बी बराबर माइनस एक हमको प्राप्त हो गया। तो प्रश्न नंबर 8 हल हो गया, अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 में है आर बराबर ए और बी एक ऐसे क्रमित युग्म है कि ए और बी बिलोंग्स टू एन, मतलब प्राकृतिक संख्या हैं, तथा ए बराबर बी स्क्वायर, ठीक ना, द्वारा परिभाषित एन से एन में एक संबंध है, ठीक ना, क्या निम्नलिखित कथन सत्य है। देखिए पहला क्या लिखा है, इसमें लिखा ए ए बिलोंग्स टू आर, सभी ए बिलोंग्स टू एन, ठीक ना। तो हमको देखिए इसमें प्राकृतिक संख्या का समूच है, देखिए जैसे ये एन है, पहला समूच भी एन है
और दूसरा समुच भी एन है, है ना। तो प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7 इस तरह जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार ये सब जाएगा। तो हमको इनमें से कोई एक वन वन लेना है, ठीक ना। तो देखिए जैसे हम यहाँ अगर ये एक ले रहे हैं हम, तो यहाँ पर देखिए अगर देखिए एक और एक क्या इस रिलेशन में बिलोंग करेगा, कब, जब a बराबर b स्क्वायर होगा, ठीक ना। तो हमको केवल इसके लिए नहीं, हम सबके लिए बोला है, अगर 2, 2 बिलोंग्स टू R है, 3, 3 बिलोंग्स टू है, ये इसमें R में बिलोंग करेगा। तो देखते हैं इसमें कि हमको ये फॉर्मूला लगाना है। ये लिखा है देखिए पहला a है और ये b है, तो यहाँ रखेंगे तो देखिए एक बराबर एक का स्क्वायर है ना, b मतलब यहाँ भी b भी एक ही है, तो ये सही हो गया। ये मतलब ये एक और एक बराबर आ गया, तो ये अभी तक तो ये सत्य है, ठीक ना, ये सत्य है। इस 2 के लिए चेक कर लेते हैं, तो देखिए 2 बराबर 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 के बराबर तो नहीं होगा, तो 2 बराबर नहीं है 4 के, तो यहाँ पे देखिए ये असत्य हो गया। तो असत्य हो गया मतलब ये पूरा स्टेटमेंट ये सत्य नहीं है, ये असत्य हो गया, ठीक ना। यहाँ पे 3 को भी चेक करेंगे तब भी असत्य हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट असत्य हो गया, ठीक ना। ए बराबर बी स्क्वायर पर वन नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, ठीक ना, ये नॉट बिलोंग्स टू आर है ये। अब देखिए दूसरा दिया है, लिखा ए बी बिलोंग्स टू आर है ना, का तात्पर्य है, का तात्पर्य है कि बी ए बिलोंग्स टू आर, ये बोल रहा है कि अगर ए बी इस संबंध में है ना, इसका इस संबंध का ये अगर ए बी एक क्रमित युग्म अवयव है, तो बी ए भी इस संबंध में एक क्रमित युग्म होगा या इसका एक अवयव होगा। तो देखिए इस फॉर्मूले में बैठा के देखते हैं, कोई भी दो संख्या ले लेते हैं, मान लिया 1 ले लिया, देखिए जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 ले लिया, मतलब ए बराबर 4 और बी बराबर 2 ले लिया, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब फॉर्मूला पर रखेंगे, फॉर्मूले में देखिए देखिए 4 और 2 क्या ये बिलोंग्स टू R में है कि नहीं, तो देखेंगे इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, A मतलब 4 बराबर 2 का स्क्वायर, तो देखिए ये तो है, ठीक है, बराबर 4 है तो बिलोंग्स टू कर गया, बिलोंग्स टू है मतलब। अब देखिए बी ए, तो बी ए क्या उलट के देख लेते हैं कि क्या 2 और 4 बिलोंग्स टू R है कि नहीं, तो इसके लिए हम इसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ ये A है और ये B है, ये बोला है A बराबर B स्क्वायर होना चाहिए, तो A बराबर कितना, A कितना है 2 है और B कितना है 4 है, तो 4 इसके स्क्वायर के बराबर तो ये होगा ही नहीं, इसलिए ये बिलोंग्स टू हो ही नहीं रहा है, ठीक ना, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक ना। ए बी अगर बिलोंग्स टू आर कर रहा है तो बी ए आर को बिलोंग्स नहीं करेगा, ठीक ना। तो ये भी देख के भी लग रहा है, एक ए बराबर बी स्क्वायर है, तो देखिए ए बराबर अगर बी स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, बी बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा, जरूरी नहीं है, ठीक ना। तो इस प्रकार ये भी असत्य हो गया, ठीक ना। एक तीसरा भाग है इसका, उसको भी देख लेते हैं, थर्ड में है, थर्ड वाला पोर्शन है, देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर है ना, का तात्पर्य है कि ए सी बिलोंग्स टू आर है ना, इस संबंध का ये अवयव होना चाहिए। तो देखिए देखते हैं इसमें है कि नहीं, तो ए बी बिलोंग्स टू आर में हम पहले देखिए 16 और 4 लिख लेते हैं, क्या ये बिलोंग्स टू आर करेगा, तो इसको मिटा लेते हैं, ये मिटा लेते हैं। तो देखिए ए है, देखिए यहाँ पर क्या किया, 16 बराबर 4 का स्क्वायर, तो ठीक है 16 बराबर 16 आ गया, बिलोंग्स टू कर गया। अब बी सी बिलोंग्स टू आर में कर रहा है क्या, बी सी बिलोंग्स टू आर,
तो देखिए बी और सी, तो हम यहाँ पर देखिए ए बराबर देखिए लिख लेते हैं यहाँ पर, ए बराबर 16 लिए हैं, बी बराबर 4 लिए हैं और सी बराबर 2 लिए हैं, ठीक ना। तो बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब बी क्या है 4, 4 और 2 क्या बिलोंग्स टू आर में है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। 4 बराबर 2 का स्क्वायर मतलब 4 बराबर 4, ठीक है ना। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि क्या ए सी, क्या ए सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए क्या है 16 और सी क्या है अपना 2 है, बिलोंग्स टू आर करेगा, तो इसमें चेक कर लेते हैं। ये है 16 बराबर 2 का स्क्वायर, तो ये 16 बराबर नहीं हो गया, तो ये नॉट बिलोंग्स टू हो गया, ठीक ना, ये बिलोंग्स टू नहीं हुआ, तो इस प्रकार ये भी असत्य हो गया, ठीक ना। तो ये तीनों पार्ट इसके असत्य थे। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 हो गया। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 में है, एक समुच्चय दिया है जिसके 1, 2, 3, 4 है ना, ये 4 अवयव हैं। बी में एक समुच्चय दिया है जिसके ये अवयव दिए हुए हैं। एक देखिए ये एफ डिफाइंड है, परिभाषित दिया हुआ है, देखिए इसके कर्मित युग्म 1, 2, 3, 4, 5 हैं, ठीक ना। इसमें पहला पार्ट पूछ रहा है कि क्या ये एफ ए से बी में एक संबंध है, ठीक ना, ये संबंध मतलब रिलेशन, क्या ये रिलेशन है, ठीक ना। तो रिलेशन चेक करेंगे, तो देखिए रिलेशन कैसे चेक करते हैं कि क्या होता है कि देखिए जो ये हमको बोला ये संबंध है कि नहीं, तो सीधा सा बात है, इसके जो ये जो क्रमित युग्म हैं इनके जो पहले घटक हैं वो समुच ए के अवयव होने चाहिए, ठीक ना, सिंपल सा है, पहले घटक समुच ए के अवयव होने चाहिए। तो देखिए यहाँ एक, ये एक, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ये 2, ये 2 हो गया ना, पहले घटक पहले समुच से प्राप्त हो गए, सही है। अब देखिए दूसरा घटक जो है दूसरे समुच से प्राप्त होना चाहिए, तो 5, 5, 9, 9, 1, 1, 5, 5, 11, 11, तो दूसरा घटक भी दूसरे समुच से प्राप्त हो गया, इस प्रकार ये एक फलन है, ठीक ना, सॉरी संबंध है, ये रिलेशन हो गया। अब यही चीज पूछ रहा है कि क्या ए से बी में एक फलन है, तो देखिए फलन के लिए क्या होता है कि देखिए इनमें जो क्रमित युग्म हैं इनके पहले घटक समान नहीं होने चाहिए, ठीक ना, सिंपल सा परिभाषा है कि कोई भी फलन है तब है जब इसके जो क्रमित युग्म हैं इनके पहले घटक बराबर नहीं आने चाहिए, ठीक ना। देखिए यहाँ पर ये 2 है, यहाँ भी 2 आ गया, पहले घटक बराबर आ गए दोनों में, ठीक ना, इस प्रकार ये संबंध फलन नहीं है ये, ठीक ना, फलन नहीं है, क्योंकि अब देखिए इसे भी कह सकते हैं, देखिए 2 का एक प्रतिबिंब 9 है और 2 का एक प्रतिबिंब 11 है, ठीक ना, मतलब 2 के देखिए यहाँ पर 9 आ गया एक प्रतिबिंब और एक 11 आ गया, तो फलन के लिए ये भी होता है कि एक का 2 प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, ठीक ना, या तो सीधा सा देख रहा है कि पहला घटक बराबर नहीं होना चाहिए, इस प्रकार ये फलन नहीं हुआ, ठीक ना। तो ये हो गया इसका प्रश्न नंबर 10 भी हल हो गया। या तो अगर इसमें कारण लिखना हो तो कारण भी लिख सकते हैं, लिख देखें, देखिए पहले में लिखेंगे चूंकि यफ के क्रमित युग्मों, क्रमित युग्मों के पहले घटक के सभी पहले घटक, सभी पहले घटक समुच ए के अवयव हैं एवं सभी दूसरे घटक समुच्च बी के अवयव हैं, ठीक ना, अतः यफ ए से बी में
एक संबंध है। अब देखिए दूसरा कारण लिख लेते हैं, दूसरे वाले में लिखेंगे चूंकि f के क्रमित युग्मों के दो क्रमित युग्मों के पहले घटक समान हैं, है ना, कहाँ कहाँ हैं ये देखिए, 2, 9 और 2, 11, ठीक ना, इसलिए या अतः यफ ए से बी में, बी में एक फलन नहीं है, ठीक ना, संबंध है मगर फलन नहीं है। तो प्रश्न नंबर 10 हो गया। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 11 में है, मान लीजिए कि f, देखिए f में क्या दिया है, ऐसे क्रमित युग्म दिए ए बी, ए प्लस बी, इस प्रकार है ए बी बिलोंग्स टू जेड, द्वारा जेड इंटू जेड का एक उपसमुच्चय है, क्या यफ जेड से जेड में एक फलन है, यफ जेड टू जेड में एक फलन है, अपने उत्तर का औचित्य भी स्पष्ट कीजिए, ठीक ना। तो देख लेते हैं, देखिए फलन होने के लिए किसी भी एक का दो प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, ठीक ना, या क्रमित युग्मों में किसी पहले घटक समान नहीं होने चाहिए, ठीक ना। अब देखिए इसमें चेक करते हैं, लिखिए माना यहाँ हम ले लेते हैं a बराबर 1 और b बराबर 8 ले लिया, ठीक ना भाई, z टू z है ना, कोई भी पूर्णांक संख्या ले सकते हैं हम इसमें भी और इसमें भी, है ना, z टू z है ना, पहला मतलब a और b मान लेते हैं, a पूर्णांक माइनस 1 0 1 2 3 4 माइनस 2 माइनस 3 कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो हम इसमें से एक a बराबर 1 ले लिया और b बराबर 8 ले लिया, इस पर रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1 × 8 ए बी है ना, तो 1 × 8 आ गया और यहाँ पर 1 + 8, तो इसको इस प्रकार इसको हल किए तो देखिए ये हो गया 8 × 1 = 8 और 1 = 9, तो एक क्रमित युग्म आ गया, ठीक ना। अब देखिए ए बराबर हम 2 ले लेते हैं और बी बराबर ये 4 ले लिए, तो इस प्रकार अब जब मान रखेंगे इसमें देखिए 2 × a × b है तो 2 × 4 और 2 + 4 ले लिया, तो ये हो गया 4 × 2 = 8 और 4 × 2 = 6 आया, तो इस प्रकार एक क्रमित युग्म ये आया, ठीक ना। अब देखिए इन दोनों क्रमित युग्मों में देखिए पहला घटक तो बराबर आ गया, है ना, अभी तो हमने केवल दो ही बार मान लिया, तो हमें पहले देखिए पहला घटक बराबर आ गया, दो क्रमित युग्म प्राप्त हुए और उसके पहले घटक बराबर आ गए, तो इस प्रकार ये एक फलन तो नहीं है, ठीक ना, या तो कह सकते हैं 8 के 2 प्रतिबिंब हो गए, 8 के 9 भी हो गया, 8 का 6 भी हो गया। तो लिखेंगे चूंकि यहां क्रमित युग्मों के पहले घटक समान हैं, अतः f z टू z में एक फलन नहीं है, तो ये हो गया, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 11 हो गया, प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12 में है, देखिए एक समुच्चय दिया है जिसके घटक 9 10 11 12 13 दिया है, तथा f a से n में है ना, ये मतलब पहला a ये होना चाहिए और दूसरा देखिए जो b दूसरा समुच्चय होगा वो सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो सकता है, इसमें fn बराबर n, n का है n का महत्तम अभाज्य गुणक होना चाहिए, ठीक ना। तो हम पहले इस 3 9 को रख के देखते हैं, देखिए
देखिए पहले नौ का देखते हैं, तो नौ का देखिए गुणनखंड महत्तम अभाज्य गुणन क्या होगा, नौ, तीन गुणे तीन, तीन एक कम तीन, तो देखिए वो क्या क्या है, देखिए प्राप्त क्या हो गया, तीन गुणे तीन आया, तो इसका महत्तम जो सबसे बड़ा कौन सा है, ये तीन ही है, तो एफ नाइन हमको थ्री प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जब एफ टेन रख रहे हैं तो हमको देखिए क्या प्राप्त होगा, दो पंचे दस, पाँच एक कम पाँच, तो देखिए दो गुणे पाँच आ रहा है, इसका बड़ा गुणक ये रहा, तो हमको पाँच प्राप्त हुआ, ठीक ना। इसी प्रकार 11 का, तो 11 का हो जाएगा 11 एक कम 11, इसमें बड़ा वाला क्या है 11, तो महत्तम गुणक अभाज गुणक 11 प्राप्त होगा हमको। इसी प्रकार 12 पर हो जाएगा, तो 12 का देखते हैं क्या है, दो छक्के 12, दो तिहाई 6, तीन एक कम तीन, इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है, तीन है। इसी प्रकार एक 13 है, तो 13 का क्या हो जाएगा, 13 एकम 13, तो सबसे बड़ा महत्तम अभाज्य गुणक क्या हो जाएगा, 13। तो हमको देखिए क्या संबंध प्राप्त हो गया, एफ बराबर देखिए 9 पर 3 प्राप्त हो रहा है, और 10 पर 5 प्राप्त हो रहा है, और 11 पर 11 प्राप्त हो रहा है, 12 पर 3 प्राप्त हो रहा है, और 13 पर 13 प्राप्त हो रहा है, ठीक ना। तो इसके क्रमित युग्मक ये आए, अब हमको इसका परिसर ज्ञात करना है, ठीक ना। तो जो दूसरा घटक का समुच्च उसको परिसर बोलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे परिसर बराबर 3, 5, 11, 3 फिर यहाँ आया तो पुनरावृत्ति नहीं करेंगे इसका, तो हो गया 13। तो इस प्रकार प्रश्न